पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में नाज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी थ्रेट वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी होगी, हमारे लिए यहाँ पाकिस्तानियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए थ्रेट होगी। वो क्या है देखा जाए ऑन ग्राउंड रियलिटी, तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब स्वीप करेंगे। डिबेट कर सकता हूं कि हम पाकिस्तानी पाकिस्तान वॉशिंगटन डीसी में इंडिया से एटलीस्ट 50 साल पीछे, वो जिसको भी वोट करेंगे जहां से भी करेंगे दे हैव टेकन ओवर द कंट्री। एक तो ये चीज। आपने परिचर्चा का जो अंश सुना उससे स्पष्ट है कि अमेरिका चुनाव में चाहे कोई जीते भारत का महत्व वहां कम नहीं होगा। भारतीय अमेरिका में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, उनकी ताकत इतनी है कि उन्हें कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अमेरिका की दो पार्टियों में से एक रिपब्लिकन पार्टी ने भारतीय मूल के निकी हेली को वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया है। यह मैं नहीं, पाकिस्तानी मूल के ही एक चर्चित व्यक्तित्व साजिद तरार जो अमेरिका में ही रहते हैं वही कह रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी चर्चा का अगला अंश। मोदी साहब हैं, उन्होंने बड़ा अपने आप को बेचने की कोशिश की ट्रंप साहब के सामने, और जैसे वो अमेरिका में गए तो उनको बुलाया, फिर यहाँ पे भी गए, लेकिन मैं अगले दिन एक सर्वे देख रहा था, उस सर्वे में यह आया कि 72% से शायद ज़ायद जो इंडियंस हैं वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये भी बताइएगा कि कैमला हैरिस को उनकी एक ओरिजिन इंडिया होने की वजह से भी कोई सपोर्ट मिल रही है, ये काइंडली दोनों चीजें जरा इसको डिस्कस कीजिएगा। देखिए उसमें मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट पार्टी हो, दोनों पार्टीज they have been taken over by Indian diaspora, Indian Americans. और हमें, मैं आल एलान ये कहता हूं और मैं इस पर भी डिबेट कर सकता हूं कि हम पाकिस्तानी पाकिस्तान वॉशिंगटन डीसी में इंडिया से एटलीस्ट 50 साल पीछे है। इस वक्त इंडियन लॉबी जो है वो इसराइल के बाद दूसरे नंबर पे स्ट्रांगेस्ट लॉबी है वॉशिंगटन डीसी में। ये पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में नाज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी थ्रेट वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी होगी, हमारे लिए यहां पाकिस्तानियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए थ्रेट होगी। वो क्या है कि इस वक्त हर बड़ी कॉरपोरेशन का सीईओ इंडियन है, और इस वक्त उनके इंडिया ने दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दिए, उन्होंने अपने बॉबी जिंदल निकी हेली, सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेशन होने वाली थी एक इंडियन जज की, आप उनका लेवल देखें वर्सेस हमारे न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की, एक कौंसलमैन भी नहीं है वहां पे। तो उसको कहना कि वो 72% डेमोक्रेट वोट कर रहे हैं, वो जिसको भी वोट करेंगे जहां से भी करेंगे दे हैव टेकन ओवर द कंट्री। एक तो ये चीज। और हमारे लोग जो हैं वो अभी तक हर शहर में पीटीआई नून लीग के चार चार ग्रुप बना के एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हमारा हम इस जगह पे खड़े हैं। आप यहां पे आप सोच नहीं सकते कि मेरी ये बिल्कुल आप ठीक है, मैं कंपेन का हिस्सा हूं लेकिन मैं पॉलिसी मेकिंग में नहीं हूं, मेरा इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग पे नहीं है, लेकिन मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी अभी तक यह भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही कि मैं कंपेन का हिस्सा हूं, रोजाना ईमेल है मेरे खिलाफ, रोजाना चीजें मेरे खिलाफ। तो इन चीजों से आप जब तक आप ऊपर नहीं आएंगे, पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं देखेंगे, आप पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं करेंगे, तो आपको बड़े नुकसानात होंगे फ्यूचर में, इसका इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा कि ना सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी भी इस वक्त जो वो इंडियन लॉबी के हाथ में है, तो उसमें आगे मुस्तकबिल में क्या होगा। साउथ एशिया में कई चीजें हो रही हैं, आपके इलाके में कई नए ब्लॉक बन रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप मुझसे जाती तौर पर पूछें, आपकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है, आपको कोई पता नहीं है कि आप किस ब्लॉक में है, आप टर्की के साथ खड़े होंगे कि आप सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होंगे, चाइना का यू टर्न तो आपने ले लिया, लेकिन वो अगर जाती तौर पर मुझसे पूछें एज नॉट एन अमेरिकन, चाइना और टर्की के साथ ज्यादा पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है वो किकबैक्स बेस्ड है। मेरा सबसे बड़ा इस वक्त जो क्वेश्चन पाकिस्तान के लिए ये होता है कि आपकी लेबर दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें और बिल्डिंगें बना रही है, लेकिन आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बनाता है, इसका जवाब आज तक मुझे कोई नहीं दे सका, सिवाय किकबैक्स के। एस्टैब्लिशमेंट जो करप्ट एस्टैब्लिशमेंट है वो किकबैक्स लेके अपने बच्चों को बार बार जायदादें लेके दे रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। आपको सीखना पड़ेगा, आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए, लेकिन अभी तक वो चीजों का दूर है। मुझे, मैं बड़ा होपफुल था खान साहब के साथ, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैबिनेट जो है वो 100 के नंबर ले जाने के पास है, 52-53 तो कर चुके हैं वो, लेकिन इस तरह घमंडें नहीं चलती। मुझे वॉशिंगटन डीसी में पता है कि आपका आटे का थैला 1500 का हो चुका है,
मुझे एक 20,000 बंदे की सैलरी वाले का बजट बना के देखें तो मदीना की रियासत इस तरह होती है। खान साहब को बनी गाला में नहीं पता कि आटे का थैला 1500 का हो चुका है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, हमें सीरियस होना पड़ेगा, अभी तक हम सीरियस नहीं। आप क्या देख रहे हैं कि ट्रंप साहब और बाइडेन का जो मुकाबला है वो नेक टू नेक कंपटीशन है, या समझते हैं कि ट्रंप साहब जो है वो लीड से जीतेंगे या कि बाइडेन लीड से जीतेंगे? जरा थोड़ा फेयर एनालिसिस कीजिएगा। वैसे तो मुझे पता आप पार्टी के ताल्लुक से। देखिए मैं जो देख रहा हूं, एक तो लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने 3.5 साल में इतना कुछ अकॉम्प्लिश किया जो बाइडेन साहब ने 50 साल में नहीं किया। हाँ, एक वो, और इन सब चीजों को जब देखा जाए ऑन ग्राउंड रियलिटी, तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब स्वीप करेंगे। लेकिन अगर उस पर खदशात मौजूद है कि स्विंग स्टेट्स या दूसरी डेमोक्रेट स्टेट्स में अगर मेल इन फ्रॉड या दूसरी चीजें की गई, तो इस तरह के खदशात भी अमेरिकन पॉलिटिक्स में मौजूद है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को एक थ्रेट है कि मेल इन फ्रॉड और वोटिंग फ्रॉड, ये ना हो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को हराना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि बाइडन साहब 50 साल से एक प्रोफेशनल ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है, अपने प्रोफेशन के लिहाज से वकील है। मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया, ना एक सिंगल जॉब क्रिएट की, ना एक सिंगल बिजनेस किया, ना अमेरिका को बचा सकेंगे ना दुनिया को बचा सकेंगे। और बच्चे की करप्शन उनकी यहाँ पे मीडिया बिल्कुल नहीं बता रहा। अगले दिन उनके यहां तक के FBI भी इज अवेयर ऑफ इट कि उन्होंने करप्शन में क्या करते रहे, ईमेलें थी, लेकिन CNN उसको पकड़ने से इनकार है। बल्कि यहां तक कि फेसबुक और ट्विटर ने पाबंदी लगा दी है कि हंटर बाइडेन की जो ईमेल और तस्वीर आप ना फेसबुक पे लगा शेयर कर सकते हैं ना ट्वीट पे कर सकते हैं। GOP जो हमारे जो रिपब्लिकन सेनेटर हैं, उन्होंने फेसबुक और ट्वीट को बुला लिया कैपिटल हिल पे ये एक्सप्लेन करने के लिए। अमेरिका में ये हालात चल रहे हैं। बात सही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा गहरी दोस्ती देखने को मिली है, जो अभी डेमोक्रेटिक पार्टी से पुनः चुनाव मैदान में है। अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं जैसी की संभावना व्यक्त की जा रही है उनके जीत की, तो भारत का प्रभाव अमेरिका तथा विश्व मंच पर और बढ़ेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट बाइडेन चुनाव जीतते हैं तो भारत की पूछ कभी कम नहीं होगी, क्योंकि भारत के प्रभाव को उन्होंने अपने चुनावी भाषण में कई जगह पर स्वीकार किया है। साथ ही आप लोगों को यह भी बताते चलें कि रिपब्लिकन पार्टी ने तो वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट भारतीय मूल की निकी हेली को दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी में भी भारत की पूछ कितनी है। आपको यह भी बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व बराक ओबामा भी रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट थे और उसी के टिकट पर विजयी हुए थे, और उनके साथ भी मोदी जी की बहुत गहरी दोस्ती हुई थी। किसी भी देश का महत्व उसकी आर्थिक क्षमता तथा उस देश के राजनीतिक नेतृत्व के प्रतिभा पर निर्भर करता है। आज की तिथि में भारत विश्व की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और मोदी जैसा प्रतिभावान राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री भी भारत के पास है। परिणाम सबके सामने है, विश्व मंच पर भारत की पूछ बड़ी है। सभी बड़े देश अमेरिका सहित भारत का लोहा मानते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्री भी भारत के प्रधानमंत्री को बुलाकर अपने यहाँ के सभी बड़े पुरस्कारों से नवाजते हैं। यही बात पाकिस्तान को खलती है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारे, तभी उसकी पूछ बढ़ेगी। भारत से जेलस होने से कोई फायदा नहीं, यही पाकिस्तान के हित में भी है और भारत के हित में भी है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।